श्रीलंका ने मनाया 74वां स्वाधीनता दिवस, सानपाड़ा में फहराया तिरंगा, जिंदाबाद के लगे नारे। शहीदों को याद करते हुए सैल्यूट तिरंगा संस्था ने आज 74वें स्वाधीनता दिवस पर सानपाड़ा में ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी देते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सैल्यूट तिरंगा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश राय द्वारा आयोजित इस सादे समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत प्रमुख अतिथि रहे। उन्होंने कोरोना मुश्किलों के बीच स्वाधीनता दिवस के आयोजन की सराहना करते हुए नई मुंबई करों को शुभकामना दी। राजीव जी ने यहाँ पे सल्यूट तिरंगा की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो जो कोरोना योद्धा है उनका मान सम्मान रखने के लिए उनको यहाँ पे बुलाया, उनका सत्कार किया, उनको ट्रॉफी दिया, क्योंकि वो कोरोना जो योद्धा है उनमें एनर्जी आनी चाहिए, ये सोच राजीव जी ने रखी। और यहाँ के डॉक्टर्स है, यहाँ के पुलिस अधिकारी है, यहाँ के कर्मचारी है, अधिकारी है, साफ सफाई कामगार है, उनको बुला बुला के उन्होंने उनका सत्कार किया, उनका मान सम्मान किया। और इसीलिए मैं मेरे इस उत्तर भारतीय नवंबर सेल के अध्यक्ष संयोजक राजेश जी रॉय का मैं सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा और आभार मानूंगा कि बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट कर रहे हैं। और उनके सपोर्ट के लिए सनोचुरा जी है, मेरे नवंबर के महामंत्री श्रीयुक्त निकम जी है, इस सानपाड़े के मंडलाध्यक्ष श्रीयुक्त श्रीमान डॉक्टर जी है, या के इस सानपाड़े विभाग के हमारे और नवंबर के उपजिलाध्यक्ष जगताप जी है, जो सारे लोग जुटे हुए हैं कि पब्लिक के ग्राउंड में जाके पब्लिक की व्यवस्था करने में। और पब्लिक की व्यवस्था करते करते आज कोविड योद्धा का सत्कार भी उनके हाथ से हुआ। मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम इस कोरोना के महामारी में कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम भी उछल रहा है। और एक बार और मैं लोगों को इस नवंबर के लोगों को हार्दिक बधाई दूँगा कि इस 74वें स्वतंत्र दिन का उनको सबको ऐसी एनर्जी मिले जैसे राजेश जी एनर्जी के साथ उतरे हैं। ऐसे ही न्यू बॉम्बे के बहुत सारे समाज कार्यकर्ता हैं, वो इसी एनर्जी के साथ उतरे और लोगों की सेवा करें, उन्हें अच्छे एक बार सबको बधाई। हम सब जानते हैं कि 1947 में अपने इस देश को स्वतंत्र मिला, उसके पहले भारत की अवस्था और आज 74 वर्ष के बाद भारत की अवस्था, ऐसा सिंहावलोकन करने का आज का दिन है। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारत के हर एक नागरिक ने ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ हमें जाना है। तो मेरा वैयक्तिक मत ऐसा है कि 1947 में हमने स्वातंत्र प्राप्त किया, यानी क्या, हम स्वराज की ओर बढ़े। लेकिन आज 75 वर्ष के बाद इस स्वराज्य को सुराज्य में बदलने का अवसर हमें आया है और हम सब भारतवासी इसके साक्षीदार बन रहे हैं। इसके लिए हम सब ने इसके ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब भारतवासियों ने आज के इस दिन संकल्प लेना चाहिए। संकल्प ऐसा है कि इसमें हर एक भारतवासी का एक रोल है। वो रोल क्या है वो हर एक ने समझना। किसान है तो किसान का एक रोल है, कष्टकारी जनता है, मजदूर है तो उसका एक रोल है, उद्योजक है तो उसका एक रोल है, सामान्य जो तरुण है उसका एक रोल है, विद्यार्थी है तो उसका एक रोल है, महिला है तो उसका एक रोल है। तो मेरा रोल क्या है इस भारत को विश्व गुरु बनाने में, मेरा रोल क्या है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। सिर्फ नेतृत्व इसको उभर कर नहीं ला सकता, तो भारत की 135 करोड़ जनता जो है उसको अपना रोल इसमें निभाना पड़ेगा। यही आज का संदेश है। यह रोल हमने अपना समझना और उसके प्रति कटिबद्ध रहना, संकल्पित रहना, यही आज का संदेश है। सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हमारे सैल्यूट तिरंगा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेश राय जी, इन्होंने ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया गया, इसके पहले तो मैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राजेश राय जी ये बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आए दिन करते रहते हैं, उनकी एनर्जी, उनका सारा उत्साह ये इसी प्रकार बने रहे।
और सैल्यूट तिरंगा को भी 3 वर्ष पूर्ण हुए, तो सैल्यूट तिरंगा के सारे कार्यकर्ताओं को, उनके नेतृत्व को मैं इस आज के इस पावन दिवस पर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही इनकी सारी एक्टिविटी साल दर साल बढ़ती रहे, इस प्रकार की अभिलाषा व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष राजेश राय द्वारा सानपाड़ा के सीनियर इंस्पेक्टर विकास रामगढ़े एवं पुलिस जवानों का कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मान किया। उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इन कुर्बानियों को याद करना जरूरी है। वहीं सैल्यूट तिरंगा के मुंबई यूथ अध्यक्ष अश्विन राय ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने और देश के नौजवानों से अपनी आज़ादी का संरक्षण करने का आह्वान किया। इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से सभी लोग एक छोटा छोटा ग्रुप बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखकर ही कर पा रहे हैं, क्योंकि बीमारी एक दूसरे से फैले नहीं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी हमें मिली है, इसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। 1947 में अपने को आज़ादी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से धारा 370 हटाए, तो जाकर हमें ऐसा लगा कि अब संपूर्ण पूर्ण भारत हमारा है। उसी तरह आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2020 को हमको धार्मिक आज़ादी मिली। श्री राम भगवान के मंदिर के लिए 500 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे, लेकिन हमें वो आज़ादी नहीं दी कि अपने देश में ही हम अपने भगवान के मंदिर बना पाए, जिसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरा करके दिखाया। ये कोरोना काल में मैं सैल्यूट तिरंगा के NGO से जुड़ा हूँ, जिसका मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग सैनिक लोगों का हमेशा सम्मान करते हैं मौके पर, लेकिन इस साल हम लोग ने ये संकल्प लिया कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे पुलिस भाई हैं, चाहे सुरक्षा कर्मचारी हैं, इन लोगों का भी सम्मान किया जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आज हम देश में सुरक्षित हैं। आज इस अवसर पर मैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। इंडिया बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड has the youth of our country has a huge responsibility vested in them. It's all up to us what the future of this country is. The generations before us have done their job and led this country to great heights. Further, it's our responsibility to make sure this country becomes one of the best in the world. What our youth needs to realize is a lot of small things that we do on Independence Day which actually causes disrespect to our nations. All of us are used to buying small flags, whether for our car, whether for our chest, put it on our t-shirt, or a normal thing that we just use in the Independence Day. All we should know is that we should respect this flag of our nation and treat it with respect. Please avoid wearing tricolor mask, as it is a disrespect to our national flag, as you will be speaking, a little spit will come out, which is a great disrespect to our national flag. Wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind. Bureau Report, TV1 India. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।